सपने तो हम सभी देखते हैं, लेकिन उन्हें समझने समझाने का काम ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रॉयड ने किया था। यही वो नाम है जिसने हमें हमारे सपनों की हकीकत बताई। सिगमंड फ्रॉयड इतिहास के चर्चित न्यूरोलॉजिस्ट में से एक माना जाता है, और इस बात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ऑस्ट्रियो के न्यूरोलॉजिस्ट सिगमंड ने बिल्कुल अलग तरह से इंसानी दिमाग को समझने की कोशिश की थी। इसके अलावा फ्रॉयड बहुभाषी थे, ऐसे में उन्हें जर्मन, इतालवी, यूनानी, अंग्रेजी, स्पेनिश, हिब्रू और लैटिन जैसी कई भाषाएं आती थी। सिगमंड के मुताबिक इंसानों के काम और सपने उसके विचारों के प्रतीक होते हैं। फ्रॉयड ने दुनिया को बताया कि सपने हमारे मन के भीतर छिपी किसी दबी आशा, निराशा या अभिलाषा की तरह इशारा करते हैं। ऐसे में जो हम सोचते हैं वो हमारे दिमाग में होता है और फिर सपनों में भी। वैसे सिगमंड फ्रॉयड ने एन इंटरप्रिटेशन ऑफ द ड्रीम्स और सिविलाइजेशन एंड इट्स कंटेंट जैसी महत्वपूर्ण पुस्तकें भी लिखी। हालांकि नाजियों ने उन्हें अमेरिका छोड़ने को मजबूर कर दिया और उनकी किताबें भी जला दी थी। तो ऐसे में भले ही सपने हमें अपने आप आते हों, लेकिन इन्हें समझने का गुण हमें इन्हीं से मिलता है। न्यूज़ एक्सप्रेस की रिपोर्ट।